नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महापावन दिन महाशिवरात्रि, भोलेनाथ का अति प्रिय दिन। भोलेनाथ के आपके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। और जब हम महाशिवरात्रि पर कुछ खास विधियों से खास उपाय, अचूक तरीके के उपाय करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न होता है। वैसे भी कहा जाता है कुछ चीज़ें अवॉइड करने में ही आपकी ज़िंदगी सफलता की तरफ बढ़ती है, और कुछ चीज़ें आपके करने से ही आपकी ज़िंदगी में खुशियां आती हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान की तरफ ले जाती हैं। और ख़ास करके महाशिवरात्रि का जो पावन अवसर है, ये अद्भुत संयोग है जहाँ आपको कुछ उपाय, कुछ खास विधियाँ ज़रूर करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए। महासंयोग की अगर हम बात करते हैं तो महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरु वैसे नीच के हैं, लेकिन गुरु उदय है, शनि उदय हो चुके हैं, और फिर आती है शिव योग बन रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र है और गुरुवार का दिन है। जब भी कहा जाता है अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप दान के लिए गुरुवार का दिन बहुत उत्तम होता है। और ख़ास करके हम कहते हैं कि जब गुरु उदय हो तो इस तरीके के कार्यों को ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा फलित तो होता है, ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे की ओर हमें लेकर के जाता है। महाशिवरात्रि का जो अवसर, पावन अवसर होता है, हर समस्याओं के समाधान का होता है। भोले, बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी मानते हैं, सिर्फ मनाने वाले में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो उनका नाम भोले हैं, वो बहुत जल्दी ही तो मान जाते हैं आपकी बात को। आप रख कर के देखिए उनके सामने अपनी समस्या, बहुत ही शुद्धता से रखिएगा, बहुत सरलता से रखिएगा, यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ आपको कभी निराश नहीं करते, कभी तकलीफ नहीं देते हैं, निराशा तो आने ही नहीं देते हैं आपके पास। शुभ योग, ये योग और संयोग, यानी शिव जो योग है ये अति शुभ योग है। और खास करके फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, ये बड़ी उत्तम विलक्षण तिथि होती है, जहाँ आपके जीवन में कष्टों का एंड करने की तिथि कह सकते हैं आप, तकलीफ़ों को एंड करने की तिथि होती है ये। चंद्रमा, चंद्रमा को बहुत बल मिलता है अगर इस दिन आप कुछ खास विधियाँ करते हैं, गंगा जल का प्रयोग करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो कुंडली में अगर आपकी कुंडली में स्थिति अगर चंद्रमा की कमज़ोर भी है तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिल जाता है अगर आप त्रयोदशी तिथि, फागुन मास की और महाशिवरात्रि, ये योग का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे फायदे की ओर आपको ले जाता है ये योग, ये संयोग। आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि आपको एक्चुअली क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी करना जो है वो आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि बेलपत्र आपको ज़रूर अर्पित करने चाहिए। लोटे में जल भरकर और उसमें कच्चा दूध मिला करके अर्पित ज़रूर करना चाहिए शिवलिंग पर इस दिन। और बेलपत्र की जहाँ तक बात आती है, वो तीन तीन दल का जो बेलपत्र होता है वो ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में खंडित पत्र चढ़ा देते हैं, खंडित पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूसरा, हमेशा पत्र को उल्टा करके, जल्दी जितनी भी है लेकिन एक विधि को आप पूर्ण प्रॉपर तरीके से कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। उल्टी साइड का ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, और उल्टी तरफ ही उसके तिलक लगा करके बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। आग और धतूरा ये ज़रूर अर्पित करना चाहिए, शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और फिर आती है बात, महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शिव पुराण का पाठ ज़रूर करना चाहिए, कम से कम चार माला जाप ओम नमः शिवाय का ज़रूर करना चाहिए।
का उच्चारण, ओम का जाप चैंट ये जरूर करना चाहिए, और ये जितना ज्यादा आप कर सके उतना आपके इर्द गिर्द एक बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा, बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, बड़ी वाइब्रेंट एनर्जी इकट्ठी होगी, जिसके आपको खुद के उसका उसका महसूस, उसकी एनर्जी को आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। रात्रि का जागरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि रात्रि शिव रात्रि, महाशिव रात्रि, शिव की रात्रि, और रात्रि का ही पूजा का ज्यादा महत्व है, ज्यादा विधि विधान है। जितनी पूजा आप सुबह भी कर रहे हैं, रात्रि में जरूर कीजिए वो सारी पूजा पाठ। फिर आती है निशीत काल की पूजा, बहुत उत्तम मानी जाती है, बहुत ही फायदा देती है। क्या करें इस दिन कि आपके जीवन में ज्यादा सुखों का आगमन हो? व्रत जरूर रखना चाहिए, उपवास जरूर रखना चाहिए। और फिर आती है बात कि बहुत सारे लोग है ना सोते रहते हैं आराम से, और या फिर आएंगे पूजा पाठ करके, नहा धोकर फटाफट जल्दी से पूजा पाठ करेंगे और जा करके घर में सो जाएंगे। भाई हम सुबह जल्दी उठ गए थे इसलिए हम सो रहे हैं, नहीं सोना चाहिए, दिन का शयन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रात्रि को भी अगर आप जाग सकते हैं संकल्प के साथ, जितने बजे तक आप जा सकते हैं तो ज़रूर जागिएगा, क्योंकि शिव की रात्रि यानी रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है, रात्रि की पूजा का ही विधि विधान ज़्यादा है, रात्रि में ही पूजा करने से आपको ज़्यादा फल मिलता है। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कुछ लोग ऊपर के वस्त्र बहुत अच्छे से धारण करते थे लेकिन कुछ वस्त्र उसमें से रिपीट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिपीट वस्त्र उस दिन नहीं धारण करने चाहिए। और ख़ास करके आपने व्रत रखा है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए वस्त्र। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, सारा कुछ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगी, शॉल पुराना ले लेंगी, पता नहीं कितने दिन का होगा, वो सोचेंगे कि नहीं क्या वो वस्त्र नहीं है, वो भी वस्त्र ही है। तो आपको जो भी लेना है, जो भी वस्त्र धारण करना है वो स्वच्छ ही हो। और मान लीजिए सर्दियों का मौसम होता है तो स्वेटर रिपीट कर लेते हैं, भाई रिपीट मतलब रिपीट ही होता है, तो आपने अशुद्ध अवस्था के वस्त्र जो होते हैं वो धारण उस दिन नहीं करने हैं, अगर आपने व्रत रखा। और वैसे भी उस दिन ये धारण नहीं किए जाते हैं, रिपीट वस्त्र नहीं डाले जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जितना मंत्र चैंट कर सकते हो वो जरूर कीजिए। अब आती है बात व्रती, क्या आपको अन्न का सेवन एक टाइम का करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, फलाहार ही रहना चाहिए। और फलाहार भी चार चार बार फलाहार नहीं, एक बार फलाहार होता है, उसी को व्रत किया जाता है। हम क्या कहते हैं कि सुबह खा लिए थोड़ा सा, दोपहर में थोड़ा सा फल ले लिया, फिर शाम को ले लिया, फिर रात को फल ले लिया, भाई आपने व्रत ही कहाँ किया, आपने तो एंटरटेनमेंट की है। हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं, व्रत रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्सेप्शनल्स कुछ केसेस होते हैं, वहाँ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ तो भगवान भी साक्षात कहता है कि अपनी दवाई ना छोड़िए, पूजा पाठ भजन ज़रूर कीजिए, तो ऐसे में उनके लिए एक्सेप्शनल होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप रख सकते हैं व्रत तो ही रखिए, नहीं तो पूजा पाठ आप खूब सारा बढ़ा दीजिए, पूजा पाठ जितना बढ़ा सकते हो उस दिन बढ़ा दीजिए। क्या नहीं करना चाहिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, और क्या करना चाहिए उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ, और चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए। बड़ों का आदर ज़रूर करना चाहिए उस दिन, अगर आपसे कोई सहायता मांगता है उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। राह में चल रहे होते हैं, हमसे कोई सहायता ही मांगता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, उस दिन तो इग्नोर मत कीजिए। कौन सा एनर्जी कहाँ भोलेनाथ किस वेश में आकर के आपसे कुछ बात कर ले, ये ध्यान रखिएगा, चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि आमना सामना ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ कभी भी हो सकता है, और महाशिवरात्रि पर कहा जाता है वो दर्शन ज़रूर देते हैं। अब आती बात कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी नॉनवेज लोग खाते हैं वो नहीं होना चाहिए, सेवन नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे में दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, और रात्रि का जागरण भी ज़रूर करना चाहिए। जितना आप कर सकते हो संकल्प लेकर के उतना जागरण ज़रूर कीजिएगा। अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए, अगर आप दान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं,
छोटे छोटे बच्चों में कुछ चीज़ों का वितरण कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें वितरण कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों का सामान आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दीजिए, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया में माने जाता है। शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको करना क्या क्या चाहिए, उसी में बताया है। और ख़ास करके आपको एक चीज़ का ध्यान है, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना है, दिखाकर भी नहीं और अपनी आंतरिक आत्मा से भी नहीं। जब आपने किसी के बारे में सोच लिया गलत, तो बुरे के भागी आप बन चुके हैं। तो आपको सोचना ही नहीं है, दूसरों के बारे में गलत बिल्कुल विचारधारा नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ पूजा और पाठ में मग्न हो जाना है और भोलेनाथ को मनाने के लिए ये सारे कार्य करने। अब आप एक कुछ ऐसा कार्य है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। शिव पुराण को तो आप पढ़िएगा पढ़िएगा, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और सुबह के समय महामृत्युंजय जाप ज़रूर करें। आप कम से कम एक माला महामृत्युंजय जाप महाशिवरात्रि के अवसर पर ज़रूर करें। शाम के समय भी पूजा पाठ ज़रूर करें, जितना ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं उतने ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ खास आप पाना चाहते हैं तो भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जला दीजिए और उसके बाद सामने बैठ करके कम से कम 4 माला जाप ओम नमः शिवाय की शाम को सूर्य अस्त के बाद कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपके सारे फायदे होना शुरू हो जाएंगे। इस पावन अवसर का, महाशिवरात्रि का फायदा ज़रूर उठाएं और ये सारी ज़रूर रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअली अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली को निजी तौर पर बहुत ही विस्तार से दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपना समय फिक्स करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।